हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट सेक्रेट इंटरनेशनल। आज मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेके आया हूं जो कि यूएस एम्बेसी की तरफ से कल रिलीज हुआ था, कल उन्होंने अनाउंस किया था। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, आई वांट टू थैंक एवरी पर्सन जो मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियो को लाइक किया है। आई वांट टू थैंक कि आपने इतना मेरे को सपोर्ट किया, और हर उस पर्सन के लिए जिसने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया सो डैट कि उनकी जो स्लॉट्स हैं वो बुक हो सके, आई थैंक ऑल ऑफ देम। और मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप इमिग्रेशन से रिलेटेड और इमिग्रेशन अपडेट्स चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आज का अपडेट है टूरिस्ट वीज़ा के एप्लीकेंट्स के लिए, या फिर जो लोग टूरिस्ट वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स ढूंढ रहे थे उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी, और उन लोगों के लिए भी है जिनकी जो रिसेंटली उन्होंने अपने टूरिस्ट वीज़ा की स्लॉट्स बुक किए थे बट एम्बेसी की तरफ से वो कैंसिल हो गए, तो वो भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यूएस एम्बेसी की तरफ से अपडेट ये आया है कि उन्होंने अब टूरिस्ट वीज़ा के लिए इन पर्सन इंटरव्यू रेगुलर कर दिया है, रूटीन बेसिस पे कर दिया है, जैसे वो पहले कोविड से पहले करते थे रूटीन बेसिस पे। अब जो है टूरिस्ट वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स रूटीन बेसिस पे आएंगी। इसका अल्टीमेटली मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स में बता दूं कि अब जो स्लॉट्स हैं वो रूटीन बेसिस में इजीली मिल जाएंगी। और बट अगर हम सिनेरियो को देखें कि कितने ज़्यादा लोग जो कोविड की वजह से जो जा नहीं पाए थे, तो मे भी हो सकता है कि अभी भी प्रैक्टिकली देखें अभी भी कुछ लोगों को स्लॉट्स ना मिले, बिकॉज जो एम्बेसी है वो अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है कि वो स्लॉट्स को अपने रूटीन बेसिस पे ओपन करें। बट अकॉर्डिंग टू मी जो पीछे भीड़ लगी हुई है उनकी वजह से अभी भी शॉर्टेज चलेगी काफ़ी देर तक। सो मेक श्योर कि आप जो अपना स्लॉट ढूंढ रहे हैं उसको ट्राई करते रहें और स्लॉट बुक कर लें। और अगर कोई आपको ज़रूरत पड़ती है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे मेंशन किया है मैंने नंबर, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। और इसके अलावा मेरी पिछली वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये जो न्यूज़ है या जो अपडेट है ये स्कैम है, ये फेक है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो इस बार मैं आपको इसका जो ऑफिशियल जो स्क्रीनशॉट है जो पोस्ट का, वो आपको यहाँ पे डाल दूंगा कहीं पे वीडियो पे, सो डैट यू कैन बी श्योर अबाउट द स्लॉट, अबाउट द कन्फर्मेशन। बिकॉज मैं अगर कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं तब तक नहीं बनाता हूँ जब तक मैं 100% अपनी तरफ से सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ कि ये जो रिसोर्स है, ये जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। और मैं ऑथेंटिक चीज़ों पे ही वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें, बिकॉज मैं स्कैम्स या ऐसे कुछ करने के लिए यूट्यूब पर नहीं आया हूँ। मेक श्योर कि आप ऐसे कमेंट करने से पहले चेक कर लीजिए, अदरवाइज बाकी लोग भी इससे नेगेटिव होते हैं, तो मेक श्योर कि आप ऐसा कमेंट ना करें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल का सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना सो डैट कोई भी अपडेट आए मेरा इमिग्रेशन से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। जनरली मैं यूट्यूब पे सबसे पहले अपलोड करता हूँ, प्रोबेबली ये भी वीडियो सबसे पहली होगी। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जो स्लॉट्स हैं पिछले दिनों में कैंसिल हो गए थे एम्बेसी की तरफ से। वो एक्चुअली स्लॉट्स तो थे प्लेस होल्डर आई मीन टू से कि वो स्लॉट उनके लिए होते हैं जो जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है या फिर जो इमरजेंसी रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं। सो उस पर्पस में प्लेस होल्डर जो स्लॉट्स होते हैं वो काम आते हैं, सो डैट कि उनके पास एक स्लॉट हो और उसके बाद वो इमरजेंसी रिक्वेस्ट डाल सके, ठीक है। तो जिन लोगों के वो स्लॉट कैंसिल होते हैं उनके बारे में एम्बेसी ने अपडेट दिया है कि अब वो जो स्लॉट हैं वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में वो बुक कर सकते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ स्लॉट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी टिल द सितंबर और अक्टूबर, सम कॉन्सुलेट में सितंबर तक है, सम कॉन्सुलेट में अक्टूबर तक है, तो मेक श्योर आप चेक कर ले और उनको बुक कर ले। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।